मामला बाराबंकी जिले के आलापुर का है, जहां पर छोटे छोटे लड़के जिंद बाबा की मजार के पास पुल है रेड नदी का, जहां पर बच्चे पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं, जबकि पानी का बहाव तेज है। हम तो इन बच्चों के घर वालों से यही कहेंगे कि इन बच्चों को नदी में नहाने से मना करें। नहाना है तो अपने घर में नहाओ, नदी में नहाने से कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। अपने बच्चे को सुरक्षित अपने घर में नहलाएं। बच्चों पर उनके घर वाले, उनके माता पिता की जिम्मेदारी है। प्रशासन क्या करेगा जब आपके बच्चे को कुछ हो गया? प्रशासन नहीं कहता कि नदी में छलांग लगाओ। आज ही घुंगटे थाना क्षेत्र के डिंगरी गांव के में दोस्तों के साथ नहाने गए एक 8 साल के लड़के की नदी में डूब कर मौत हो गई। परिवार में पसरा मातम का सन्नाटा। समाचार ब्यूरो बाराबंकी, धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आज पोस्टमार्टम घर क्यों आना पड़ा, क्या मामला है? हमारा नाम श्यामलाल है। कहाँ के निवासी हो? पूरनपुर के। थाना कौन सा लगता है? मोहम्मदपुर खाला। अच्छा, क्या समस्या हुई है? समस्या का ही बाजार गया, सब्जी भी लिया। कौन कौन? जसवंत। जसवंत, हाँ। जसवंत के पिताजी का नाम? राममिलन। अच्छा, राममिलन, ये आपके कौन लगते हैं? हमारे भतीजे हैं। अच्छा, तो क्या समस्या हुई थी? अभी सब्जी ले गया रहा हूँ, मतलब लौट के वापस, जब पता नहीं कत्ते टाइम का बारिश खूब झमक होते रहे। हाँ हाँ। तो इनकी लाश जो है दूसरे दिन है हमारे तालाब में मिली। तो आपको कब पता चला? हमका सबका पता चला आज जो है। हाँ, आज कौन, आज कई तारीख है? आज 8 तारीख है। 8 तारीख में पता चला। तब जब पता चला तो हम लोग यहाँ सीधे थाने खान और थाने से सीधे पोस्टमास्टर लिखा पड़ी दही हमका। अच्छा अच्छा, यहाँ तो ये आपने शिनाख्त की है तो लाश है आपके भतीजे की है? भतीजे की है। अच्छा, तो जो उनकी जो है तालाब में डूबने से मौत हुई है, तो शासन प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हो? अरे सर, मांग का आप जो है तालाब में डूब मौत भैया, तो कुछ हमका जो है कुछ मिल जाए तो ठीक रहा साहब। अच्छा, बीवी बच्चे कुछ है? बीवी बच्चे हैं? जो बीवी बच्चे नहीं हैं। नहीं, जो खत्म हुआ उसके कुछ बीवी भी हैं? नहीं है उनके बीवी। बीवी नहीं है? छोट गया है। छोट गया है। धन्यवाद।